और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि 2024 में जो कि नए एकदम समझो म्यूचुअल फंड हैं और इसी के साथ में उनकी जो ग्रोथ है वो हमेशा लगातार ऊपर की तरफ बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर अपने पैसे को निवेश करने की यहाँ पर सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ में काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं कि उस पैसे की हम FD कर दें। ठीक है, अब FD में क्या होता है और इसी के साथ में म्यूचुअल फंड में कितना हमारा बढ़ता है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे और आखिर कौन सा म्यूचुअल फंड है वो 2024 के लिए और आने वाले समय के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि आखिर FD में और म्यूचुअल फंड में कितना अंतर होता है एक छोटी सी यहाँ पर बात में ही। ठीक है, तो FD का मतलब होता है जैसे कि आपने यहाँ पर 1 लाख की FD कराई है और बैंक वाले यहाँ पर 7% दे रहे हैं तो साल में आपके 1 लाख आपकी अमाउंट है और इसी के साथ में 7,000 आपको बैंक देगी। ठीक है, तो वो ब्याज है कि आपका मैच्योरिटी पे जब भी वो मिलेगा तो 1,07,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है, म्यूचुअल फंड में आपकी जो कमाई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखा देता हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी चैनल पे जो भी जानकारी दी जाती है वो एकदम 100% एकदम रियल होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी SBI योनो एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन है मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे पैसे यहाँ पर लगाए हुए हैं जो कि मैंने यहाँ पर 3.5 लाख रुपए लगाए थे और करीब यहाँ पर 7-8 महीनों में ही मैंने यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया है 1 लाख यहाँ पर 6,000 रुपये का। मैंने यहाँ पर 3.5 लाख रुपए यहाँ पर लगाए थे, यहाँ पर मुझे इतना प्रॉफिट यहाँ पर हो चुका है यानी कि 1,56,000 का। अब यहाँ पर वो जब आपकी FD होती है वो आपकी एक फिक्स अमाउंट होती है कि आपको 1 लाख पर 7,000 रुपये आपको साल में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, पर इसमें कोई भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये बातें कोई भी नहीं बताएगा जो कि बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इस वीडियोस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 1,06,533 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आपको कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं न्यू इन्वेस्टमेंट पे सिंपली क्लिक करता हूँ, आगे की बातें हम बाद में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं जैसे कि बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं SBI के। ठीक है, इसी के हिसाब से अगर आपका खाता किसी अन्य बैंक में है जैसे कि PNB में है, पंजाब नेशनल बैंक में, या फिर कोई हो सकती है और भी बैंक हो सकती है, तो हर बैंक के जो म्यूचुअल फंड हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है जैसे कि कोई सी भी सेक्टर में चले जाएँ सबसे पहले आपको यहाँ पर टारगेट कौन सी चीज़ करना है, टारगेट वो चीज़ करना है हर व्यक्ति को आखिर नीड किस चीज़ की है। ठीक है, जैसे कि दवाइयों की है तो दवाइयों से रिलेटेड यहाँ पर होगा और इसी के साथ में जो कि मैंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है वो मेरा यहाँ पर है SBI कंट्रोल म्यूचुअल फंड रूरल प्लान ग्रोथ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कौन सा है प्लान वो, और जो कि मेरा 8 मंथ में ही इतने रुपये पर इतना रुपये यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है, अब एक्चुअली में होता क्या, अगर मैं यहाँ पर बैंक के लिए दे देता 3.5 लाख रुपये तो मुझे यहाँ पर कितना रुपये मिलता साल में, 7×21 और लगभग 3,000 वो, तो मुझे लगभग 25,000 रुपये मिल जाता साल में। ठीक है, पर मैंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड में लगाया है। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा वो भी आप देखेंगे। ठीक है, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो भी आप यहाँ पर समझ जाएंगे, इसी के साथ में आपके भी समझ में आ जाएगा कि आखिर किस में कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, और इसमें काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भाई फ्रॉड वगैरह होती है जैसे कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं कि लेके भाग गई, तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं क्योंकि ये बैंक का मसला है और आप जानते हैं ये गवर्नमेंट बैंक है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हेल्थ केयर यानी कि हेल्थ से रिलेटेड, आप जानते हैं कि हर घर में दवाइयाँ एक आधी दिन जाता होगा जो कि बिना दवाई से चलता होगा। ठीक है, क्योंकि दवाई के लेकर जो भी जैसे कि उस समय COVID-19 लगी थी तो आप जानते हैं कि इस लाइन में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहते तो इस सेक्टर में आप पैसा लगा सकते हैं, इस सेक्टर में आपका पैसा कभी भी डाउन नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ में
जो भी स्कीम आप ले रहे हैं उसका एक फ़ंड मैनेजर होता है, और वो फंड मैनेजर किस तरीके से आपके पैसे को निवेश करता है, कहाँ कहाँ निवेश करता है, वो उसके ऊपर रहता है, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर प्रॉफिट करके देता है, ठीक है। अब वो किस तरीके से काम करता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान, ठीक है। तो ये एक प्लान है, ठीक है, तो जो कि मुझे यहाँ पर रिटर्न दिया है इन्होंने 17% कुछ, ठीक है। पर यहाँ पर अब इन्होंने कैसे परसेंट पर रिटर्न दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके लेकर मैं यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ क्रोम में, ताकि आप लोग और भी यहाँ पर बारीकी से समझ जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये है, तो जो इसकी NAV थी वो थी जब मैंने इसमें पैसे को निवेश किया था 282 रुपये की, आज के दौर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 358 रुपये की यहाँ पर NAV हो चुकी है। तो कहने का मतलब है अब आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं, काफ़ी लोगों को यहाँ पर अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ये चीज़ कोई भी नहीं बताएगा कि आपका इसमें जो पैसा है यानी कि जा भी सकता है, ठीक है। पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ग्राफ कभी नीचे आया है तो उससे ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, क्योंकि अगर आप तीर को कहीं पर भेजेंगे तो आपको पीछे की तरफ खींचना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसी को लेकर एक यहाँ पर यह है, जैसे कि कभी ग्राफ डाउन गया है तो काफ़ी लोगों का जिसमें पैसा है म्यूचुअल फंड में कब दिखने लगता है, ठीक है, तो वो कहते हैं यार इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस इसमें थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जैसे कि यहाँ पर जो NAV है नेट एसेस वैल्यू, ठीक है, जैसे कि नेट एसेस वैल्यू मतलब एक इकाई होती है, जब भी ये स्कीम स्टार्ट हुई इसके अंदर कुछ फंड ऐड किया गया होगा और उस फंड के हिसाब से ही 10 रुपये के हिसाब से NAV बनाई गई होगी, ठीक है। और आज के दौर में आप देख सकते हैं 358 रुपये की एक NAV हो चुकी है, और उसी हिसाब से मैंने इसमें जब पैसे ऐड किए होंगे तो उन्होंने मुझे NAV यानी कि एक यूनिट यहाँ पर मुझे दे दी थी, ठीक है। अब जितनी वो यूनिट की हाई वैल्यू होती जाएगी उतना ही पैसा मुझे यहाँ पर बढ़ता जाएगा। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा कि एक मंथ में यहाँ पर कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, और 6 मंथ में, और एक साल में, एक साल में उन्होंने कहा कि 48,000 रुपये का आपको 1 लाख पे यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। और ये बिल्कुल सच हो रहा है, ठीक है, मेरे साथ। तो यहाँ पर अब इस पैसे को अगर आप निकालते हैं, ठीक है, ये बात भी कोई नहीं बताएगा आपको कि आखिर पैसे को निकालने से पहले कितनी कटौती होती है और आखिर इसका टैक्स आपको कितना भरना पड़ता है, ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है। कि आपको ये नहीं है कि आपने यहाँ पर 1 लाख रुपये जमा कर दिया और आपको 48,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया तो आपको 48,000 मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो भी चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे कि अब यहाँ 3.5 लाख रुपये का निवेश किया है, अब मुझे यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो उस प्रॉफिट से मुझे यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, मेरी सीधी सीधी यहाँ पर जो अमाउंट है वो यहाँ पर जोड़ी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 1 साल से पहले निकालता हूँ तो यहाँ पर 15% कटेगा, और 1 साल से बाद में निकालता हूँ तो मुझे यहाँ पर 10% पे करना होगा, और इसमें मुझे कुछ छूट भी मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो ये हैं, जैसे कि यहाँ पर 4.5 लाख रुपये हो जाते हैं, अब 1 साल के बाद निकालूंगा तो मैं यहाँ पर 1 साल की यानी कि 1 लाख पर मुझे छूट हो जाएगी, तो रुपये बचा 3.5 लाख, ठीक है, 3.5 लाख रुपये बचा। अब 3.5 लाख पर मुझे 10% का मुझे यहाँ पर ब्याज यानी कि सरकार को देना होगा। अब वो सरकार कहाँ पर यूज करेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि 3.5 लाख पर 10% के हिसाब में हो जाता है 35,000, ठीक है। अब 35,000 मैं इसमें से पूरी अमाउंट में से ही निकाल देता हूँ तो 35,000 करीब हो जाते हैं, 4,20,000 यहाँ पर हो जाते हैं, तो ये अमाउंट मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। और जो बचा 35,000, ठीक है, मैं एक लमसम में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर बच तो गया कि 4 लाख यहाँ पर 21,000 रुपये बच रहा है, ठीक है, 21,500 बच रहा है, 35,000 गवर्नमेंट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट क्या करेगी 35,000 रुपये का, कि जो जैसे कि सड़कें बन रही हैं, पुलिस जो कर्मचारी हैं जो भी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर वो पैसे को देगी, जो कि हम जो टैक्स पे करते हैं वो, जैसे कि सड़कें बनाना, पुल बनाना, जो भी कर्मचारी लोग होते हैं उनके पास जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जो कर्मचारी लोग होते हैं उनके जो तनख्वाह होती हैं वो
हम ही तुमसे सरकार पैसा लेती है और वो पैसे को वहाँ पर फिर उन लोगों को देती है, ठीक है। अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि आखिर कितना पैसा आपको मिलेगा और किस किस तरीके से छूट होती है। अगर आप एक साल से पहले निकालते हैं तो एक साल में आपका 4,60,000 तो वही हो गया और प्लस 7,000 इस पर समझ लो, ठीक है, तो करीब आपका यहाँ पर रुपये हो जाएगा करीब 70,000 के पास आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप एक साल से पहले निकालते हैं तब, ठीक है, क्योंकि बाकी का आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं तो एक साल से आप पहले निकालने की मत सोचिएगा, ठीक है, और कभी भी मजबूरी आ जाती है तो इसमें पैसे निकाल सकते हैं, कोई ये नहीं है कि आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आप इसमें पैसे बेहिचक निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक FD की तरह है, पर यह है कि जितने लंबे समय के लिए आप इसमें पैसे को निवेश करे रखेंगे तो उतना ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब इसी के साथ में यहाँ पर जो भी स्कीम आप ले रहे हैं उसका एक फ़ंड मैनेजर होता है, वो फ़ंड मैनेजर क्या करता है, जो भी आप फंड इसमें ऐड करते हैं तो वो फंड मैनेजर होता है जो भी स्कीम है, जैसे कि मैं आपको चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट पे सिंपली क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी जो भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड की स्कीमें चलती होंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब इनको भी आपको बारीकी से किस तरीके से देखना है वो भी मैं चलिए आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे हमें देखने को मिल रहा है कि आखिर किसने यहाँ पर कितना रिटर्न दे रहा है, कितना यहाँ पर रिटर्न नहीं दे रहा है, और इसकी जानकारी आप अधिक जानकारी के लिए आप जो भी स्कीम में पैसा निवेश कर रहे हैं तो उसमें आपको क्रोम में जाना है और क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है जो भी स्कीम है, ठीक है। जैसे ये म्यूचुअल फंड है SBI कंसम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि आखिर ये पैसा कहाँ कहाँ लगेगा और इसने आखिर कितना रिटर्न दिया है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि ये भी कह रहे हैं कि एक साल में हमने यहाँ पर दिया है 32,000 रुपये का रिटर्न दिया है 1,00,000 पे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि आखिर इस समय कितना ऊपर ये ग्राफ जा रहा है, किस तरीके से ग्राफ यहाँ पर चला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर कैलकुलेशन भी करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1,00,000 रुपये, ठीक है, और 1,00,000 लिखने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं 24/5/2023 और 24/5/2024, ठीक है। इसी के साथ पे हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि आखिर कितना यहां पर प्रॉफिट हुआ है और लॉस, ठीक है। जैसे कि 32,863 रुपये का यहां पर रिटर्न दिया है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं एनुअली रिटर्न, ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं और 1,00,000 पर, ठीक है, टोटल जो आपकी अमाउंट होगी वो हो जाएगी 1,32,863 रुपये, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके आप यहाँ पर और भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि आखिर इसका जो फंड मैनेजर है वो कौन है और ये पैसा कहाँ कहाँ लगाया जाता है, और इसी के साथ में अगर आप बीच में पैसे को निकालते हैं तो आपको यहाँ पर कितने तक आपको यहाँ पर रिटर्न करना पड़ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप एक साल से पहले निकालते हैं तो आपको 15% देना पड़ेगा 1,00,000 पर, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ में अगर आप एक साल बाद निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 10% यहाँ पर पे करना होगा, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड है ये वाला, तो इसे कौन मैनेज कर रहा है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब ये फंड मैनेजर काम किस तरीके से करता है, जैसे कि हम इसमें 10,000 रुपये ऐड करेंगे या फिर 1,00,000 रुपये ऐड करेंगे तो हम 1,00,000 रुपये ही मान लेते हैं। 1,00,000 रुपये अगर हम ऐड करते हैं तो वो करीब 10 कंपनियों में आपका 10,000 रुपये करके लगाएगा, ठीक है, और ऐसे में एक कंपनी लॉस में भी चले जाती है तो बाकी की बची 9 कंपनी में से एक कंपनी उस लॉस के लिए रिपेयर कर देगी, बची 8 कंपनी, तो 8 कंपनी आपको प्रॉफिट करके दे देंगी, ठीक है। तो इस तरीके से फंड मैनेजर है वो आपको यहाँ पर कमा के देता है। इसी के साथ में फंड मैनेजर को यहाँ पर क्या प्रॉफिट होता है वो भी आप समझ लीजिए, ये भी बात कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि बैंक मैनेजर भी ये बात नहीं बताएगा आपको, क्योंकि जब भी आप इसमें फंड ऐड करेंगे तो वो आपसे 1% के हिसाब से आपकी जो अमाउंट है जितनी भी वो काट लेगा अपनी कमीशन, ठीक है, यानी कि 1% के हिसाब से। 1% यानी का मतलब है 100 रुपये पे 1 रुपये, यानी कि 10,000 पे आपके रुपये हो जाते हैं 100, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है, और 1,00,000 पर 1,000 रुपये, कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है जो भी आपका पैसा मैनेज कर रहा है, ठीक है। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आखिर कितने करोड़ इसमें पैसा लगा हुआ है और कहां कहां आपका पैसा लगाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं जैसे कि गोल्ड है, स्टॉक मतलब जो भी कंपनी के शेयर वगैरह खरीदने होते हैं उसी को हम स्टॉक और शेयर बोलते हैं, ठीक है।
म्यूचुअल फंड में और भी स्कीमें जो भी लेटेस्ट में चलती हैं, तो जो फंड मैनेजर होते हैं वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, तो वो पैसा वहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कौन सा म्यूचुअल फंड यहाँ पर अच्छा लगा है वो मुझे बताइए, जैसे कि SBI कंट्रोल रेगुलर प्लान वाला अच्छा लगा, ये आपको ये वाला अच्छा लगा है, इसमें रिटर्न है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है, पर रिस्क को लेकर कि आखिर इसमें क्या हमारे पैसे डूब सकते हैं, देखो पैसे ऐसे नहीं डूबते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, तभी जो कंपनी के शेयर वगैरह हैं वो गिरते हैं और तभी आपका नुकसान होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको इतना तो भरोसा करना ही होगा कि हाँ भाई हमारा पैसा है सही जगह लगा है, और आपको खुद को इसके बारे में जानकारी भी निकालनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इनमें जो कि मैंने इसमें पैसा लगाया है, अगर आप भी उसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बेशक आप इसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हेल्थ केयर में भी लगा सकते हैं, आप जानते हैं दवाइयां हैं हर घर में चल रही हैं, ठीक है। तो ये वाला जो प्लान है म्यूचुअल फंड का, ये बहुत ही अच्छा है, तो आप उसमें पैसे को निवेश कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।